का साथ देती है ये दूसरी का सांस रुक जाएगी चलते चलते 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 वो समा बुझ जाएगी चलते चलते तोहफा है इसमें कसी का ये तो तोहफा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी 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 का साथ क्योंकि संत बताते हैं कि जो ये मानव शरीर मिला है इस हार्ड मास के शरीर के ऊपर अपनी धन माया के ऊपर जो व्यक्ति अभिमान करता है उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। इसलिए इस शरीर के ऊपर इस माया के ऊपर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान किया था किसने? रावण ने किया, जिसकी लाखों की संख्या में सेना। हमारे घर में तो शायद मंदिर भी सोने का नहीं होगा, उसकी तो पूरी नगरी ही सोने की थी, लेकिन सब क्या हो गए? जल करके खाक हो गए। अभिमान किया कंस ने, यानी हमारे तो फिर भी दो चार दस बीस पचास रिश्तेदार होंगे, दो चार पांच हजार होंगे, लेकिन रावण के 1.25 लाख रिश्तेदार थे, नाती पोते बेटे रिश्तेदार, लेकिन वो भी चकनाचूर हो गए। तो जीवन में कभी भी शरीर के ऊपर अभिमान मत करना, ये माटी की तरह मिल जाना है। क्या लिखा है? जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। वो जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, छोड़ सब कुछ निकलना पड़ेगा, छोड़ सब कुछ निकलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, छोड़ सब कुछ निकलना पड़ेगा पड़ेगा, छोड़ सब कुछ निकलना पड़ेगा। क्या करें हम, यानी जिंदगी भी किराए का घर है, श्वास का भी पता नहीं, तो क्या करना है? एक ही बात बताइए, क्या? तू राधे राधे बोल रे, प्याला इधर बोल रे, तू राधे राधे बोल रे, प्याला इधर बोल रे, तू राम राम बोल रे, तू राम राम बोल रे, तू सीताराम बोल रे, तू सीताराम बोल रे, तू राधे
में तू सितारा में तू राम राम बोल रे काला बिगो बोल रे राम काला बिगो। भगवान का नाम जो आज यहाँ ले लोगे धन दौलत मकान जमीन जायदाद बेटे पोते रिश्ते सब यही रह जाएंगे, लेकिन जो आप नाम जपोगे वो आपके साथ में ये जो श्राद्ध आते हैं। कल भी एक भक्त बता रहा था कि महाराज जी जो श्राद्ध आते हैं क्यों आते हैं, क्योंकि जो करण था उसने सोने ही सोने का दान किया, जब वहां गया ना तो उसे खाने में सोना है, पहनने के लिए सोना, दान करने के लिए सोना मिला, क्योंकि कभी उसने भोजन कराया नहीं और चीज दान ही नहीं की, किसी को वस्त्र का दान नहीं किया, भोजन का नहीं किया, किसी को धन का नहीं किया, यानी सोने ही सोने का दान। तो जो आप इस मानव शरीर से किसी को भोजन कराओगे, किसी अतिथि का सम्मान करोगे, वस्त्र का जैसा आप सेवा करोगे वैसी सेवा आपको वहाँ मिलेगी। यदि यहाँ बैठकर कथा का रसपान करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, भजनों का गुणगान करोगे तो वहीं आपको भजन मिलेंगे। इसलिए क्या लिखा है, तेरो गाइर गाठ को जाए हो जाए या रामायण के सुनवा सुन, तेरो गाइर गाठ हो जाए राम भक्ति के सुनवा, रामायण के सुनवा सुया भगवत जी के सुनवा सु, तेरो खाई रे खाई रे गाते हो जाए हो जाए भगवत जी का सुनवा सुन, तेरो बाहर गाते हो जाए हो जाए भगवत जी का सुनवा। प्रार्थना करोगे प्रभु निद्रा तो बाद में ले लूंगा, कहते हैं कि जहाँ निद्रा जाती है ना वहाँ सब चौपट पाट हो जाता है, जिस घर में निद्रा चली जाएगी तो मान लीजिए वो घर अंधेरे में हो जाएगा, यानी जो सोता है वो जीवन भर खोता ही खोता है, कुछ जो पाया है ना धीरे धीरे उसको भी खो देगा। तो आप तो भागवत सुन रहे हो, भगवान का गुणगान कर रहे हो, तो एक ही बात को ध्यान रखो, ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करो, क्या मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, श्री राधा नाम का 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 रंग। और किस किस को चढ़ गए राधा नाम का रंग, भैया उधर मत देखे करंट आ जाए बिजली को, यहाँ ध्यान लगा ठाकुर जी के चरणों में, संसार को भूल जा, इतनी कथा सुन रही है फिर भी ध्यान वही है, है? आपने तो मैया ऐसे कर दी कि एक बार एक मैया और आती थी आरती करने मंदिर में, तो आरती करती रोजाना, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, लेकिन आरती करती और पीछे भी देखती, दो दिन हुए, पांच दिन हुए, दस दिन हुए, एक महीना हो गया, मैया रोजाना आरती करे ऐसे ही बोलती रहे, मात पिता तुम मेरे, फिर पीछे देखे, मैं शरण कहूँ किसकी, मुझसे रहा नहीं गया एक महीना हो गया, मैंने एक दिन मैया से पूछ लिया, मैया तू एक बात बता, तू ये भी कह रही है तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा,
मेरा विषय विकार भी मिटा दो, तन मन धन भी तेरा है, माता पिता भी आप मेरे हो, तो मेरे की मैया तेरा पीछे क्या रह गया। बोले महाराज सब बात ठीक है, विषय विकार भी मिटा दो, तन मन धन भी इनका ही है, माता पिता भी यही है, तो पीछे क्या है? पीछे मेरी चप्पल है। तो मैया ध्यान को इधर उधर मत भटकाए, कोई आ रहा है तो आने दे, कोई जा रहा है तो जाने दे। तुम तो दोनों हाथ उठा कर के एक ही बात कहो क्या? मुझे चढ़ गया राधा रंगी रंग, मुझे चढ़ गया राधा, मुझे चढ़ गया राधा रंगी रंग, मुझे चढ़ गया राधा।